थोड़ा देरी में कितना अच्छा है फूल का कलर, क्यूट कलर है ना ये वाला, कितना मामूली साधारण, कितना कैंसर के लिए कितना अच्छा काम आता है इसका। इसमें इतना अच्छा रंग है, देखो ये वाला रंग तो हमने देखे, यही रंग का ज़्यादा रहता है सबसे ज़्यादा, ये रंग एक तो वो रंग लाइट में रहता है। छुआ मत हाथ मत दो, मार देगा कोई देखेगा तो। सो क्या गाच बोलता है बाबा, कहाँ का बोर्ड लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। रुको रुको, हाथ मत दो, हाथ मत दो, दूर दूर दूर, इधर रुको रुको रुको, ये देखिए इससे काजू बादाम निकलता है, इससे ये ड्राई होने के बाद इससे निकलता है। इसका फल दिखाएंगे अगर गाच में होगा तो। इसका फल येलो कलर का और रेड कलर का होता है, ये पूरा वो पूरा हमारा ही है। आइए आपको फल दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये है फल। इसका नीचे बीजा होता है, वो कैशू नट का होता है, काजू बादाम का। ये रेड और ग्रीन का होता है ये फल। देखिए ऊपर में रेड ग्रीन कलर का है। ये फल भी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। वो किंगन पड़े सुनने। देखिए इससे काजू बादाम निकलता है जलाने के बाद, काटने से। देखिए फल सब नीचे गिरा है। ये मतलब पहाड़ के ऊपर ज़मीन है ना, इसलिए सिर्फ यहाँ पे आम, और ये गर्मी की वजह से आम और ये ही होता है, मतलब काजू बादाम, और कुछ भी नहीं यहाँ पे ज़्यादा उगता है। ये देखिए ये गाछ है, इससे फर्नीचर बनता है। लंबा गाछ दिख रहा है ना, ये गाछ से फर्नीचर बनता है। और यह है ताल गाछ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं जब वीडियो बना रही हूँ, टाइम हो रहा है 10 o'clock, और मैं आज ब्लैक लेके बैठी हूँ। इसे 1 आवर पहले वॉश कर लिया था मैंने, ऊपर में क्लीन भी किया है पूरा, इधर और इधर। ये ट्री शेप था, क्रिसमस ट्री शेप, मगर टूट के देखिए इतना हो गया है। ये पता नहीं ये कौन सा शेप हो गया, एरो शेप। ये बहुत ज़्यादा थिक है, मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं पता नहीं। जितना मुझे मन करेगा उतना खाऊंगी, मुझे अच्छा लगा तो पूरा कंप्लीट भी कर दूंगी। ये फुल डार्क ब्लैक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने खा के देखा है, ये फुल डार्क ब्लैक है। और ये पाउडरी और सॉफ्ट है, क्रंची उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा लेयर जस्ट क्रंची है, यहाँ पे थोड़ा सा लेयर जस्ट क्रंची है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फुल डार्क ब्लैक, देखिए मुंह पूरा फुल ब्लैक हो गया है। बस ये बहुत ज़्यादा है। मैंने पूरा 7 मिनट का क्रंच किया है। बहुत हार्ड है, बहुत थिक होने की वजह से प्रॉपर बाइट भी नहीं आ रहे हैं, मगर बहुत टेस्टी है। फुल डार्क ब्लैक है। डार्क ब्लैक का टेस्ट सीमेंट के जैसा होता है, एस चीज जैसा सीमेंट का पाउडर। जैसे कि सीमेंट में पानी डालने से हम लोग को स्मेल आता है ना, एस चीज वैसा ही होता है। डार्क ब्लैक का टेस्ट बहुत ही टेस्टी था। ये मैं फिर से कंप्लीट करूँगी। ये बहुत ज़्यादा थिक है, చాలా టేస్టీగా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇది ఫుల్ డార్క్ బ్లాక్, ఇది చాలా థిక్గా ఉంది, అందుకే సగం తిన్నాను. తర్వాత వీడియో చేస్తాను ఇది ఫుల్ మతలబ్ అంటే చాలా మతలబ్ ఫుల్ వీడియో చేస్తాను. ఫుల్ 7 మినిట్స్ ఫాలో చేశాను, అంతకన్నా ఎక్కువ చేస్తే ఇది చాలా పెద్దది, ఇది ఫుల్ చేయలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఎక్కడ అదే ఉంది.